भोपाल डीआईजी इरशाद वली के खिलाफ 5,000 रुपए का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग ने उन्हें तलब किया है। मामला पुलिस के खिलाफ एक महिला के साथ मारपीट का है। इस मामले में बार बार रिमाइंडर के बावजूद इरशाद वली ने आयोग को जवाब पेश नहीं किया। वली को अब 31 मार्च को आयोग में स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादातर खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 1140 नए संक्रमित मिले। इंदौर में आंकड़ा एक बार फिर 300 के पार पहुंच गया। यहां 2 महीने में 26 दिन बाद 302 केस मिले। इसी तरह राजधानी भोपाल में 3 महीने 7 दिन बाद 1 दिन में 203 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। शुक्रवार को सीएम शिवराज बंगाल के दौरे पर पहुंचे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनकी पार्टी पर जमकर हमला बोला। बंगाल के मोयना विधानसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि बीजेपी के उम्मीदवार यहां पर क्रिकेटर हैं, टीएमसी का विकेट गिर जाएगा। उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और दीदी के भी नए मायने गढ़ दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फटी जींस वाले बयान पर मचे घमासान में अब एमपी भी कूद पड़ा है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने तीरथ सिंह के बयान का समर्थन किया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर फटी जींस पहनने का चलन बढ़ा है। देश प्रदेश की लड़कियों को मर्यादा में रहने की जरूरत है। साथ ही प्रदेश में दुष्कर्म और महिला अपराध बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह लड़कियों के पहनावे को भी बताया। मध्य प्रदेश भाजपा ऑफिस में कथित यौन शोषण मामले से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। जांच शुरू होने से पहले ही बीजेपी के प्रदेश कार्यालय मंत्री राघवेंद्र शर्मा ने दावा किया है कि 200 स्क्वायर फीट के कमरे में लाइब्रेरी है जिसमें 10-12 लोग बैठते हैं। सुबह 11 बजे तो घटना होना संभव नहीं, फिर भी जांच की जा रही है। पूरे ऑफिस में सीसीटीवी लगे हैं, लाइब्रेरी में भी कैमरे हैं। दमोह विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के नाम का ऐलान कल यानी शनिवार को हो सकता है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के घर हुई बैठक में इस सीट के लिए 2 नाम का पैनल तैयार किया गया है। वो दोनों नाम लेकर कमलनाथ दिल्ली रवाना हो गए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई हिस्सों में गुरुवार से लगातार बारिश और बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी गरज चमक के साथ बारिश और ओले और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार रात के बाद मौसम साफ हो सकता है।